हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आज सुबह ब्लॉगिंग पोस्ट किया था, ये ब्लॉगिंग तो मेरा कल जाएगा, 19 जून मतलब कल जाएगा। और आज है मेरा मैरिज एनिवर्सरी। आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे विशेस किए, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और बहुत लोग का जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है उसके लिए बहुत सारे ओके टाटा करो, तो सबको टाटा बोलो। तो कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया है तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। और मैं सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करवाई बिकॉज अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा है। और मैं सुबह सोचती थी जल्दी मंदिर चली जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। होता है ना, जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन बैठे बैठे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस मैंने पहना ये वाला सूट। ये वाला सूट देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरे कब का सूट है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया कि वैलेंटाइन डे में राहुल जी ने मुझे दिया था ये, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो मैंने अभी यही पहन लिया है क्योंकि मैं जस्ट लाइक काली मंदिर जा रही हूँ, अररिया काली मंदिर। तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ का थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रात का पूरा आप लोग के साथ शेयर करना है। सो प्लीज़ ब्लॉग पूरा वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यूज़फुल लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरा न्यू चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में, दिखाती हूँ आपको भी, काली माता के दर्शन करवाती हूँ। हे गाइस, तो मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे राहुल जी अगरबत्ती जला रहे हैं। और मेरी वॉइस थोड़ी सी मतलब अजीब सा आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी रात के 2 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, सोच सकते हैं आप लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने राहुल जी को कहा था कि थोड़ा सा ना आप वीडियो शूट कर लीजिए, तो उन्होंने वीडियो शूट कर रहे हैं। और बस माता रानी का दर्शन हो चुके हैं और आप लोग भी माता काली माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, और यहाँ हो चुका है शाम का टाइम। आप देख सकते हैं कि बाबू कितनी मस्ती कर रहे हैं। और ये बाबू को जो मैंने कपड़े पहनाए हैं, सो ये कपड़े जो दीदी आई थी वो लेके आई थी, और बहुत ही अच्छा और बहुत कंफर्टेबल कपड़ा था उसका, तो मैंने उसको ये पहना दिया और बाबू बहुत खुश लग रहा था। बट ये है ना कि वो कि मतलब आप आगे आगे देखिएगा कि कटिंग के टाइम पर हमारे पास आया नहीं, बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखा था। बच्चे होते हैं ना थोड़े परेशान कर देते हैं। तो ये ओवरऑल है कि जो डेकोरेट किया गया था बैलून से, ओवरऑल ऐसा ही डेकोरेट किया गया था। तो आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब लोग रूम में हैं अभी, तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया था बिकॉज मैं बार बार आके कैमरा को क्लिक नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने कैमरा को सेट करके यहाँ पर लगा दिया था। और जो भी यहाँ पर आ जा रहा है ना तो उसका सबका वीडियो आ रहा है। तो बाबू बस यहीं पर खड़ा होकर खेल रहा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम केक को काटेंगे। और गाइस, मेरी आवाज़ मैं पहली बता रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही होगी क्योंकि रात के 2 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाबू किस तरह मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि चलो अब केक कटिंग कर लेते हैं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 8:30 ऐसे ही हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि केक कटिंग कर लेते हैं बिकॉज क्योंकि खाने वाने के सब लोग इतने वेट कर रहे हैं। आप जो रूम देख रहे हैं ना वहाँ से जो निकल रहे हैं वहाँ पे सब के सब है, फिर साइड वाले रूम में है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट केक को कटिंग कर लेती हूँ। और बाबू आ ही नहीं रहा था, आपने देखा अभी कि मैं बाबू से परेशान हो गई, मैं उसको बुला रही हूँ आओ आओ, बट वो है कि अपने फ़ोन में बिजी है, बहुत परेशान कर रहा था। बच्चे होते हैं ना कि जिस टाइम मतलब कोई बात रहे तो इतनी परेशान करते हैं कि दिमाग ख़राब कर देते हैं। और हम यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे बिकॉज आगे में जो लोग खड़े थे ना मैं उनसे बातें कर रही थी। और आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर राहुल जी को मैं उनका फ़ोन दे रही थी कि मतलब उनके फ़ोन से फ़ोटो क्लिक होगा क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन वीडियो क्लिक में डाल चुकी थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो को स्टैंड में लगा दिया था, कंटिन्यू वीडियो हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की है। जैसा वीडियो है वैसा ही वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि इतने रात में मुझे ज़्यादा एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और बाबू फिर से आ गया है और वो फ़ोन में बिज़ी है, सिर्फ फ़ोन में बिज़ी है। इतना गुस्सा आ रहा था ना उस पर कि मतलब वो मेरे पास रहता तो कितना अच्छा लगता, बट नहीं, वो बस फ़ोन में बिज़ी हो रहा था। और जब भी मैं उसको पकड़ रही थी ना तो चिल्ला रहा था, बस एक ही काम कर रहा था। तो होते ना बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, और जब कोई ख़ास मौका हो ना उस पर और भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, अब मैं करूँगी केक कटिंग
और यहाँ पे जो भी अंदर में भी थे जो लोग, वो लोग आ चुके हैं बाहर, बाहर आ रहे हैं। तो बस केक कटिंग होगा और उसके बाद जो भी फ़ोटो क्लिकिंग है वो हम करवाएंगे, फ़ोटो क्लिक्स जितने भी है वो होंगे, तो वो मैं आप लोग को, आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। फ़ोटो जितने भी फ़ोटो हमारे क्लिक होंगे ना, मैं वो सब एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूँगी। इसमें सारे फ़ोटो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी मतलब 18 मिनट या 20 मिनट समथिंग ऐसे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मेरा न्यू चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मैंने कैमरा मेरी तरफ स्टैंड करके रखा था ना, इस वजह से आपको बाकी सब नहीं दिख रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं अब मोमबत्ती जलाऊँगी, तो मैं बस यहाँ पर पूछ रही थी मैं जला लूँ, हो गया फ़ोटो सेशन। तो होता है ना कि इस कोई आपके अगर फ़ोटो क्लिक कर रहा है और ये सब में, यही सब तो एक मेमोरीज रहता है ना कि हमने इस ईयर मनाया, तो ये हमारा 3rd मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मैंने जो भी किया आप लोग के साथ शेयर की हूँ, मंदिर गई सुबह में तो वो भी मैंने शेयर किया, और रात में ये सब हुआ तो मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं जो साड़ी पहनी हूँ वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए लिया था मैंने, और मैंने ब्लाउज भी स्टिच करवा लिया था, उसकी ब्लाउज मैचिंग है, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। नहीं तो वो होता है ना, कंफर्टेबल साड़ी ना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये साड़ी और उसके मैचिंग्स मैंने बैंगल्स लिए थे, और यहाँ पे बस कुछ मजाक की बातें चल रही थी, उसी पे हम लोग का हंसी आ रहा था। और मैंने कैमरा स्टैंड, मैंने बताया मैंने कैमरा स्टैंड में लगा दिया था, मैं बार बार एक ही बात बोल रही, तो सिर्फ मेरी तरफ का ही आ रहा था। मैंने कहा इंपॉर्टेंट तो यही है कि मैं दिखूँ अपनी ब्लॉगिंग में, इसलिए मैंने अपना दिखा रहा था, दिखा रही थी। तो बस यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी केक कटिंग, और ब्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लेट से जाए तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। आई होप कि वीडियो फुल वॉच करें आप और स्किप कर करके ना देखें। उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप स्किप करके वीडियो नहीं देखिएगा। और यहाँ मतलब बाबू इस कदर फ़ोन में बिज़ी था ना कि मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, कि बस होते हैं ना बच्चे एक चीज़ में, जिस चीज़ में उनका मन लग जाता ना बस वही काम करते रहते हैं, तो बस बाबू इतनी परेशान कर रहा था। तो भी मैंने सोचा था कि मैं केक कटिंग के टाइम पे बाबू को अपने पास ले आऊँगी, उसको अपने पास रखूँगी, फ़ोटो क्लिकिंग करवाऊँगी, बट उसके साथ मेरा बहुत कम फ़ोटो क्लिक हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी वो आया है बट अब फिर वो चला गया, और जब हम केक कटिंग कर रहे थे तो मैं उसको लाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं जब उसको लाने जा रही हूँ तो कैसे कर रहा है। तो फिर वो जो खड़े थे तो वो बोले कि अच्छा आप जाओ केक कटो, कटिंग करो, मैं इसको पकड़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं बाबू कैसे मेरी पल्लू को घींच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब हमारे साथ रहता, मतलब नहीं उसको, नहीं उसको फ़ोन चाहिए, ऐसे कर रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो बस यहाँ पे हम केक कटिंग कर चुके हैं, और केक कटिंग करने के बाद बस वही प्रोसेस होगा कि बस हमें केक खिलाना है सबको, सबके साथ, और फ़ोटोशूट करना है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन चलेगा, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे। और यहाँ बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और बाबू के साथ भी मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी, वो फ़ोटो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वैसे इस ब्लॉगिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जो जरूर करिए जो मैं न्यू चैनल देख रहे हैं। और बस यहाँ पे खाना चल रहा है, सब लोग खा चुके हैं, बस इन लोग बचे हुए हैं तो बस ये लोग खा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और बस हम लोग खाएँगे और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।